हेलो एवरीवन वेलकम टू जे अड्डा मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज लेके आई हूँ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा स्पेशली अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अपना सिलेबस चेंज के बारे में तो उसको लेकर बहुत सारे दिमाग में सवाल आप लोगों के आ रहे होंगे ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है आई होप कि आप वो वीडियो आपने देखा होगा नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा पूरे छह साल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई वो सब मैंने उस वीडियो में समझाने की कोशिश करी काफी सारा रिसर्च वर्क उसके पीछे करके तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना उसमें मैंने आपको बताया है कि सिलेबस कैसे मोल्ड होता है कैसे चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है सब जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब मैंने उसमें डिस्कस करी है अब अगर मैं बात करूं तो आज का जो मेरा सेशन है वो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके दिमाग में दिसंबर वाला एग्जामिनेशन घूम रहा है और ऑफ कोर्स क्योंकि अब इतना बड़ा स्टेटमेंट आया तो हमको दिसंबर को लेकर जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जो देखने मिल सकते हैं और उसको लेकर हमें टेंशन हो रही है कुछ क्वेश्चन जो कॉमेंट सेक्शन से मेरे पास में आए या कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास में पर्सनली टेलीग्राम पर या फिर जो बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन सबके दिमाग में आए उनको लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अगर आप लोग खुद फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब क्योंकि इसी तरीके से पेपर वन और पेपर टू का कॉन्टेंट लेकर आती हूँ पेपर वन और पेपर टू कंप्यूटर साइंस मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ जे ऑलरेडी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और साथ ही साथ आप सभी लोगों को पिछले चार सालों से यूजीसी नेट में पढ़ा रही हूँ इसके अलावा अगर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो 30 दिन के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया था जो कि कैप्सूल कोर्स के नेम से आया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे के पूरे टॉपिक्स को लास्ट थर्टी डे में रिवाइज कर रहे थे ये जो सेशन है ये आप लोगों के आप बचे हैं जो लास्ट के टाइम उसमें आप ले सकते हो ये जो टाइम है इसमें जो भी पुरानी क्लासेस हुई है इस थर्टी डे वाले कोर्स के अंदर वो भी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग और उसके बाद भी आप इसको आराम से देख सकते हो अगर आज आप लेते हो तो आज से तीस दिन के लिए कोर्स आपके पास में रहेगा और उसके बाद में ये हो जाएगा राइट right? आ जाती आज के के हमारे मेन सेंट्रिक वाले कोर्स ऊपर जो है कि है यूजीसी नेट दिसंबर के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस दिखने वाले हैं क्या क्या ऐसा है जो आप लोगों को ध्यान रखना है तो देखो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में जो चल रहे थे कि जो आप लोगों का सिलेबस वाला चीज है ये सिलेबस वाला चीज आप लोगों को दिसंबर से दिख रहा है क्या तो देखो मैंने वीडियो में भी पहले ये चीज बोली थी कि जो सिलेबस के अंदर हल्का हल्का सा चेंज है या हल्का हल्का सा मॉड्यूलेशन है ये तो हमें 2021 से ही देखने मिल गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई उसकी तुरंत बाद से क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि गोल ओरिएंटेड या सेंट्रिक आप लोगों की अप्रोच यूज करी है बट हाँ अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो जी नहीं आपको दिसंबर में इसका कोई भी ऐसा चेंज वाला चीज नहीं मिलेगी 2021 के बाद में जैसे पेपर्स बन रहे वैसे ही पेपर बनेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है जो मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव था वो ये था कि क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने मिलेगी तो नहीं दिसंबर 2023 में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने मिलेगी बट ये जरूर है कि जून ट्वेंटी के अंदर मे बी आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग हो जाए इट्स अ मे बी वाली सिचुएशन अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है सिर्फ सिलेबस चेंज के ऊपर बोला है हो सकता है कि पैटर्न के ऊपर भी उनका कोई ना कोई कॉमेंट आएगा अब बात यह आ जाती है कि हमारे दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या सोचना है या किस पॉइंट पर अलर्ट रहना है तो देखो दो पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगी आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि अगर आप लोगों ने आप लोगों की डेट शीट देखी है तो उस डेट शीट को आप अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको ये चीज देखने मिलेगी कि आप लोगों के एग्जामिनेशन 6 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक होने वाले हैं पहले हमें लगा था कि छह से बाईस दिसंबर तक एग्जाम होंगे क्योंकि वही एक पुराना नोटिस आया था जिसमें छह से बाईस उन्होंने डेट ब्लॉक करी थी एग्जामिनेशन हो रहे हैं छह से चौदह तारीख के बीच में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो से क्या होने वाले है? एक ही शिफ्ट में होने वाले एक ही में बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके जैसे एजुकेशन था दो शिफ्ट में हो जाए या कॉमर्स है जो दो तीन शिफ्ट में होता है अब ये ज्यादातर एग्जाम्स आपके एक ही शिफ्ट में होने वाले हैं अब इससे मैम हमको क्या फर्क पड़ता है या हम क्यों ध्यान रखें ये चीज की एक ही शिफ्ट में होने वाला है सोच के देखिएगा जहां पर इकतीस से पैतीस शिफ्ट्स के अंदर आप लोगों का एग्जाम हो रहा है और एक पेपर दो से तीन शिफ्ट्स के अंदर अगर होता है तो टोटल तो नंबर जो आप लोगों के पेपर वन के पेपर का होता है वो इंक्रीज हो जाता है अब क्योंकि पेपर वन के क्वेश्चन आपको इंक्रीज करने पड़ते हैं तो इधर उधर आलतू फालतू वाली चीजों के भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैम ये तो बढ़िया फायदा हो गया कि आलतू फालतू के क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट इससे एक और इंपॉर्टेंट बात ये निकल के भी आती है कि जो टॉपिक आप लोगों के लिए सर्टेन है या जो टॉपिक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में मैंशनड है या सिलेबस में तो बहुत कम चीज़ें मैंशन होती हैं आसपास की जो चीज़ें हैं वहां से भी इन डेप्थ वाले क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे तो आप ये मान के चलिएगा मैं पहले दस दिन पहले ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आपने पढ़ा है 50 परसेंट पढ़ा है तो ट्राई टू मेक इट 60 है ना वो पाँच दस परसेंट का थोड़ा सा लैप आपको लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा लीप आपको लेके आना पड़ेगा पार्डन है ना थोड़ा सा लीप आपको लेके आना पड़ेगा और आपको ये सोचना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आज सुबह ए एम वाली क्लास में ऐसे पढ़ते पढ़ते ही हमारे पास में वाईफाई के ऊपर या ब्लूटूथ के ऊपर एक सवाल मैंने देखा आईसीटी का और उसके बाद में मैंने आप लोगों के सभी के आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड्स आपको बताए कि आई ट्रिपली एट जीरो टू स्टैंडर्ड्स के अंदर सारे के सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आए थे और उसमें वाईफाई का कौन सा था ब्लूटूथ का कौन सा था मैंने जिग बी के बारे में आपको पढ़ाया वाई एम एक्स के बारे में आपको पढ़ाया ये क्वेश्चंस पिछले शिफ्ट में अगर आप देखो 2023 जून वाले पेपर में भी आपको स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछे गए थे YMX के ऊपर सवाल पूछा गया और उसका प्रोटोकॉल भी पूछ लिया गया तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं बनाने के लिए एनडीए के पास तो जो क्वेश्चंस का टॉपिक है उससे डिटेल्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके पास में बनेंगे तो अगर आपका पेपर एक ही शिफ्ट में हो रहे हैं या नंबर ऑफ शिफ्ट आपकी कम हो जाती है नंबर ऑफ डेज एग्जामिनेशन के कम हो जाते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा पेपर बनने के चांसेस तो मैं यही राय दूंगी डरने वाली बात नहीं है जितना आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो आलतू मत दो जो पढ़े हो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ो अगर वो 50 परसेंट पढ़े हो तो उसको 60 करो साठ पढ़े हो तो उसको 70 करो और अगर 80 परसेंट पढ़े हो तो उसको 90 परसेंट करो मतलब उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ये बोलना तो मोस्ट सर्टेन टॉपिक्स जो आपके पेपर वन के होते हैं उस पर फोकस करो और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि पेपर आप लोगों का लेंदी आएगा ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं हमेशा पेपर दे आते हैं और ये कंप्लेन लेके आते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था स्क्रॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ये हो रही थी वो हो रही थी तो लेट्स फेस द रियालिटी मैं यहाँ पर सिर्फ अच्छा अच्छा बोल के नहीं आऊंगी मैं आपको रियालिटी बताती हूँ ये हर बार का गेम है हर बार एग्जाम लेंदी ही आता है स्क्रॉलिंग जो होती है वो ज़्यादा ही होती है क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन यानी एमएसओ वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर ये ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की आदत आपको डालनी है अगर आपने सौ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो मेरे कहने पर थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और पचास क्वेश्चन मेरे कहने पर और प्रैक्टिस कर लेना करने कैसे हैं स्क्रीन पर देख के हाथ और पेपर पेन वाले नहीं करने हैं ठीक है ना स्क्रीन पर देख के करने हैं और ये ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा हो सके तीन घंटे बैठकर पूरे के पूरे पेपर को देने का ध्यान देना है ठीक है इसके लिए टेस्ट सीरीज है आप टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो ले सकते हो जे आर एफ अड्डा की वेबसाइट पर जाके भी ले सकते हो या जो भी आपका माने जहाँ से भी माने वो ले सकते हो डजेंट मैटर ठीक है जैसे एक फ्री टेस्ट है मॉक टेस्ट वो आप देना और उसके बाद में एनालाइज करना कि आप कितने टाइम में कर रहे हो कैसे कर रहे हो और स्क्रॉलिंग का कितना प्रॉब्लम आपको हो रहा है इनफैक्ट अगर आप टेस्ट सीरीज भी नहीं लेते हो तो जे अड्डा की वेबसाइट पर पी वाई पीज आपके लिए मैंने लगा दिए हैं 2019 से लेकर 2023 जून तक के सारे पेपर्स अपलोड किए और सबके सब सी बी टी फॉर्म में किए ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो जे आर पड्डा की वेबसाइट पर जाओगे और पी वाई पी सॉल्व करोगे वो भी सी बी टी है तो प्रीवियस ईयर ही बट मैंने पूरे उसको टेस्ट फॉर्म में ही लगा रखा है वहाँ पर तो वो भी आप देना और ये ट्राई करो कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो क्योंकि पेपर लेंदी आएगा आएगा और ऑफकोर्स आपके लिए स्क्रॉलिंग वाला या ये सब चीज़ें होगी ही होगी तो ये दो तो चीज़ें हैं जो मुझे लगा डेट शीट पढ़ के कि आपको मैं बता सकती हूँ और आपको ये ध्यान रखनी है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर वाले अटैम्प्ट में ये चीज़ हमेशा से फेमस रही है जून और दिसंबर में पेपर होता है और जो दिसंबर वाला पेपर होता है उसके अंदर जो आप लोगों की क्वालिटी या जो ब्रीड ऑफ स्टूडेंट्स पेपर देते हैं वो वैसे भी थोड़े हाई कॉम्पिटिटिव होते हैं क्यों क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने मास्टर्स से निकल चुके हैं ये वाला सिनारियो रहता है जून में तो फिर भी इन बिटवीन वाले बच्चे ज्यादा होते हैं पर दिसंबर में जो पास आउट्स हैं वो ज्यादा होते हैं तो वैसे भी दिसंबर वाला पेपर 2019 से उठा के देख लो तो जून और दिसंबर में कंपेयर करोगे तो दिसंबर का पेपर वैसे भी बेटर मिलता है आप तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपटीशन बहुत अच्छा है यहाँ पर जीत उसकी होगी जिसने पहले सीबीटी की अच्छी प्रैक्टिस करी है और जो ये जानता है कि कितने क्वेश्चंस मुझे करके आने हैं कितने समय के अंदर ये पहले से स्ट्रैटेजी बना के जानी है पेपर वन पहले करना है पेपर टू पहले करना है क्या अप्रोच होनी चाहिए ये सब आपको पहले से प्लान करना है और उसी अकॉर्डिंग अगले दस दिन के टेस्ट दो या अगले दस दिन की प्रैक्टिस करो ये सब चीज़ें जो है वो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखने वाली है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना डरने वाली बात नहीं है सिलेबस का जो चेंज है वो भी कोई चेंज अभी नहीं आपको दिखेगा इसके अलावा जो लेंदी पेपर है या स्क्रॉलिंग वाला है वो मैंने आपको समझाया क्वेश्चन पेपर के बनने का जो तरीका है वो भी मैंने अपने हिसाब से अपना परसेप्शन आपको बताया तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए बस इतना ही मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी नेक्स्ट सेशन के लिए जो कि होगा आज का सेवन पीएम वाला कंप्यूटर साइंस का सेशन गुड लक